नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार बिजली विभाग की लापरवाही अब खुलकर सामने आने लगी है। बीते कई दिनों से बिजली विभाग का सर्वर डाउन होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी तो आ ही रही है, साथ ही उन पर बिल का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गलती बिजली विभाग की और हर्जाना आमजन को भुगतना पड़ रहा है। आलम कुछ यूं है कि बिहार के लगभग 3000 बिजली उपभोक्ताओं को 170 करोड़ का बिल सौंपा गया है, जिससे बिहार के बिजली उपभोक्ता सख्ते में है, क्योंकि जहां वो कुछ समय पहले तक एक सामान्य बिल का भुगतान करते थे, वहीं अब उनके हाथ में बिल की इतनी लंबी फेहरिस्त थमा दी गई है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बिजली का इस्तेमाल कर लिया जिसके कारण उन्हें इतना लंबा बिल थमाया गया है। लेकिन इसके पीछे सर्वर में गड़बड़ी को बताया जा रहा है। सर्वर खराब होने के कारण ही बिहार की बिजली कंपनी की बिलिंग व्यवस्था पूरी तरह ढीली पड़ गई है। बिजली विभाग की लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 1900 एचटी उपभोक्ताओं को 125 करोड़ का बिजली बिल दिया है। वहीं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1100 एसटी उपभोक्ताओं को अब तक 45 करोड़ का बिल दिया है। बिजली विभाग की माने तो साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग का संग्रह कर रही है कि मीटर रीडिंग का मैनुअल संग्रह करने का काम किया गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सर्वर की तकनीकी खराबी दूर होते ही संग्रह रीडिंग की आधार पर बिजली बिल जारी हो जाएगा। सर्वर डाउन रहने की स्थिति में मीटर रीडिंग लेकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं दिया जा सकता है। हालांकि बिहार में बिजली से जुड़ी समस्या आम बात है। कभी बिजली विभाग इतना लंबा बिल दे देता है कि आम जनता बिल देखकर हैरान हो जाती है, तो कभी बिजली चोर को देखकर विभाग हैरान हो जाते हैं। बिजली चोरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बिहार में कि अगर इन सभी बिजली चुराने वालों से बिजली बिल का भुगतान करवा दिया जाए तो पूरा बिजली विभाग धन कुबेर बन जाएगा। हालांकि हाल ही में बिजली चोरी के इल्जाम में एक बड़े अधिकारी को भी पकड़ा गया था, लेकिन बाद में पूरी पूरी राशि की वसूली उनसे कर ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिहार में बिजली चोरी की समस्या आम बात है। इस बात को आप इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि मात्र 2 अगस्त से 10 अगस्त तक 4669 परिसरों में बिजली कंपनी के अधिकारियों ने छापेमारी की। इस क्रम में 280 परिसर इस तरह मिले जहां पर धड़ल्ले से बिजली की चोरी हो रही थी। यह सब मामले हैं जहां पर बिजली चोरी की समस्या आम बन गई है। वहीं इन दिनों बिजली विभाग भी काफी गड़बड़ी कर रहा है। हालांकि विभाग ने आम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि आम नागरिकों को हो रही परेशानी का निवारण जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।